स्टूडेंट्स, मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड टू में हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में पार्ट नंबर 11 आज हम क्या सीखेंगे, पार्ट नंबर 11 सीखने वाले। ठीक है, पार्ट नंबर 11 में आपको दो इकाइयाँ दी गई है, 33 और 34। ठीक है, कितनी इकाइयाँ दी गई है, दो। कौन कौन सी इकाई, 33 और इकाई 34। क्या बोला गया है, हिंदी नाम अंग्रेजी में लिखना सीखो। अब आपको क्या सीखना है, यहाँ पे आपको हिंदी नाम जो है उनको अंग्रेजी में लिखना सीखना है। अब नाम लिखने से पहले कुछ बातें होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। तो आपको आज क्या सीखोगे, आज आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखोगे। ठीक है, नाम लिखने से पहले याद रखो, अब नाम लिखने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है, पहली बात, नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। जो नाम हम लिखते हैं उसका पहला जो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, प्रथम एबीसीडी में। ठीक है, उसके बाद नाम, दूसरा, नाम में जो अक्षर हलंत हो वह ए नहीं लिखा जाता है। नाम में जो भी अक्षर हलंत हो वहाँ पे ए नहीं लिखा जाता है, मतलब हलंत अर्थात नाम में जो अक्षर हलंत हो वहाँ ए नहीं लिखा जाता। हलंत यानी जो नाम का आखिरी लेटर होता है उसमें आ की मात्रा नहीं हो और सिंगल लेटर दिया हो तो ए नहीं लगेगा। नाम का आखिरी अक्षर हलंत हो वहाँ ए नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, क्या दिया गया, कुछ नाम, जगत, जगत, तो जे ए जी ए टी, जगत क्या होगा, जगत। फिर रतन, क्या दिया गया, रतन, आर ए टी ए एन, रतन, क्या दिया गया, रतन। भगत, बी एच ए जी ए टी, भगत। नवल, एन ए वी ए एल, नवल। मगन, एम ए जी ए एन, मगन। भरत, बी एच ए आर ए टी, भरत। कनक, के ए एन ए के, कनक। गगन, जी ए जी ए एन। नयन, एन ए वाई ए एन, नयन। तपन, टी ए पी ए एन, तपन। रमन, आर ए एम ए एन, रमन। हर्षण, एच ए एस ए एन, हर्षण। जनक, जे ए एन ए के, जनक। पवन, पी ए वी ए एन, पवन। कमल, के ए एम ए एल, कमल। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपने नोटिस किया, जो हलंत मतलब जो अक्षर के पीछे आ की मात्रा नहीं है, लास्ट वाला अक्षर, जो लास्ट वाला अक्षर है उसमें आ की मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए नहीं लिखा। अब हिंदी नाम अंग्रेजी में लिखो, अब आपको क्या करना है, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, पवन, प का पी ए, व का वी ए, लेकिन अब ये जो लास्ट का लेटर क्या माना जाता है, हलंत, इस पर कोई भी मात्रा नहीं दी गई तो हम क्या लिखेंगे, एन, केवल एन लिखेंगे। ठीक है, प व न। फिर
रतन, र का आर ए, त का टी ए, और लास्ट में न क्या लिखा गया, न। यहाँ पे भी मात्रा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, खाली एन। अगर यहाँ पे ऐसे मात्रा आ की होती तो हम ए लिखते। जगत, जे ए जी ए टी। भगत, बी एच ए जी ए टी। मगन, एम ए जी ए एन। अगर आपको इस तरह से फटाफट नाम लिखना सीखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोनेटिक्स है वो आपको मुँह ज़बानी लर्न करने पड़ेंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्वर और व्यंजन के अंग्रेजी उच्चारण दिए हुए हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जिससे आप फटाफट कर सकते हो अथवा आप बारह खरी भी लर्न कर सकते हो। अब नवल, तो न का एन ए, व बी ए, लास्ट हलन। लास्ट वाला क्या दिए हुए, ना इस पे कोई किसी की मात्रा है, कुछ भी नहीं है, तो केवल क्या आ जाएगा, एल, नवल। ठीक, फिर हश्न क्या दिया गया है, हश्न, एच ए एस ए एन, हश्न। फिर कनक, के ए एन ए के, कनक। उसके बाद क्या दिया गया, भरत, तो भरत की स्पेलिंग क्या होगी, बी एच ए आर टी, बी एच ए आर ए टी, भरत। उसके बाद तपन क्या दिया गया, तपन, तपन की स्पेलिंग टी ए पी ए एन, तपन। अब रमन, रमन आर का र का आर ए, म का एम ए, रण का एन, क्या पढ़ेंगे, रमन। जनक, जे ए एन ए के, जनक। ठीक, क ओ मल, तो क का के ए, म का एम ए, और ल का एल, कमल। न, नयन, तो न का एन ए, य का वाय ए, और न का एन। उसके बाद गगन, क्या लिखा हुआ है, गगन, जी ए जी ए एन, गगन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना है और उसका पहला लेटर कैपिटल, जो आखिरी अक्षर होगा और उस पर मात्रा कुछ भी नहीं होगी तो खाली उसके पीछे ए नहीं लगेगा।
बाकी सबके पीछे ये लगेगा। तो ये जो नाम दिए वो आपको अपनी नोटबुक और स्वाकृति दोनों में लिखना है, ठीक है। तो जगह इतनी अस्तु।